कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयान देने के बाद अब मलेशिया के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने यूएन में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ दिया था और कहा था कि भारत ने कश्मीर को कब्जे में रखा है। महातिर के इस बयान का भारत ने कड़ा विरोध किया। अब मलेशिया को उसका ये बयान महंगा पड़ रहा है। भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात को रोकने का मन बना लिया है, जिसके बाद से मलेशिया में पाम ऑयल के कारोबारी डर गए हैं, क्योंकि भारत पाम ऑयल के लिए मलेशिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत के कुछ कारोबारियों ने नवंबर दिसंबर की शिपिंग के लिए पाम ऑयल की खरीदारी रोकने का भी फैसला कर लिया है। भारत के इस कूटनीतिक फैसले ने प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को डरा दिया है। हालात संभालने के लिए महातिर ने कहा कि अगर पाम ऑयल के आयात पर भारत पाबंदी लगाता है तो हम इस मुद्दे को राजनयिक तौर पर सुलझाएंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मलेशिया को अभी तक भारत सरकार से संभावित पाबंदियों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है। कश्मीर पर मलेशिया के बयान के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गए थे। पाम ऑयल पर पाबंदियों की खबरों के बीच तनाव कम करने के लिए महातिर मोहम्मद ने कहा है, मलेशिया भारत से कच्ची चीनी और भैंस के मांस के आयात को बढ़ाने का विचार करेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।